ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਦੀਆਂ। 60 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਬੱਸ 'ਚ 80 ਤੋਂ 90 ਸਵਾਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਵੱਧ ਵੱਧ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੌਫ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕੇ 60 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ 90 ਸਵਾਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। आप 1500 रुपए देकर जा रहे हो, सेफ भी नहीं है बस में, आपको क्या लगता है? अच्छा तो नहीं लगता कि भीड़ में कैसे जा रहे हैं। क्या मजबूरी बन गई आपको? 22 तारीख को बहन की शादी है, माँ है नहीं, बाप आएगा, इसलिए करके जा रहा हूँ। इतना लंबा सफर है, बस वालों को किराया देते हैं, उन्हें बोलते नहीं क्या सीट पूरी दो हमें? बोलते हैं जी, पर क्या करते हो, टेबल वेबल पे बिठा देते हैं। कितने बंदे टोटल बैठे बस में बैठे? टोटल इसी अंदाज होंगे जी, 65-70। तो पंजाब से यूपी तक जाएगा, क्या रास्ते में कोई पुलिस नहीं रोकेगी इतनी बड़ी बस को? अब ये तो मैंने नहीं पता है, खतरा तो है आपको? खतरा तो हैगा जी, तब कोरोना का भी खतरा है। हाँ जी, कोरोना का भी खतरा है, पर क्या करें, इमरजेंसी में जा रहे हैं, टिकट ट्रेन में कटाया, उसमें कोई सीट बुकिंग है नहीं, खाली भी नहीं। बस वाले क्या बोल रहे, सीट नहीं देते पूरी? नहीं, सीट कहाँ पूरी देते हैं जी, इसमें टेबल बिठाए रखे हैं बीच में। इतना लंबा सफ़र कैसे करोगे टेबल पर? अब तो करना ही पड़ेगा जी, जैसा भी हो। किराया भी मुंह मांगा देते हैं और सीट भी नहीं? अभी तो इतनी जिम्मेदारी हमको दे रहे हैं, ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हैं। ठीक, नहीं रहता नहीं। जिस बस में जा रहे हो कितने आदमी यहाँ होगा? 80-85 होगा। एक बस में 80-85 लोग और बच्चे साथ में हैं, क्या कोरोना से डर नहीं लगता? डर तो जी हर एक का लगता, क्या वो क्या कर, हम लोग तो सोचा सेफ्टी से जाएंगे, इसमें इतना स्टोर लगा लगा के सोचा। कितने पैसे दिए? 1500 दिए। एडवांस भी लेते हैं? हाँ दे दिया। दे दिए? हाँ। क्यों जा रहे हो यहाँ से? जा रहे काम है, घर पर। लॉकडाउन लग रहा है तभी जा रहे हो? पहले जान खतरे में क्यों डाल रहे हो, दूसरों को भी डालोगे? क्या कर रहे थे? बस वालों को बोला सीट देने के लिए? सीट तो दिया है और बीच में स्टूल भी लगा हुआ है। नहीं, घुस घुस के ऐसे ठूस ठूस कर आदमी बस में भरे हुए हैं कि इतना लंबा सफर कैसे करोगे? वो तो बस वाला का सोचना चाहिए, सीट इतना ठूस ठूस के क्यों भर रहे हैं? बस वाले धक्केशाही कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते, हमको तो बैठाया। क्या काम करते थे आप? हम लोग कुल्फी देते थे। अब कुल्फी जगह तो सीजन आ रहे हैं, आप भजा रहे हो यहाँ से? फिर आ जाएंगे 3 तारीख का। क्या हो गया, क्यों जाना पड़ा? ब्याह है साला का। लॉकडाउन तो लग गया है, ब्याह क्या होगा? लॉकडाउन लगा फिर भी हो सकता है। कितने जाने जा रहे हो अब? मैं 32 साथ में। कहाँ जा रहे हो? बिहार जा रहे। कितना किराया लिया? 1500। क्या बात है, क्यों जा रहे हो यहाँ से, पंजाब से? घर जा रहे हैं। नहीं, 1500 रुपये एक आदमी का जी। बस में कितने लोग हैं? बस में नहीं देखे थे कितने। कितने लोग बैठे हैं होगा? आप ऐसे भीड़ में जा रहे हो, डर नहीं लगता कोरोना से? जा रहे हैं सीट पे बैठे हुए। नहीं, इतनी भीड़ में बस में जा रहे हो, क्या कोरोना को किसी को डर नहीं लगता? नहीं, डर कुछ नहीं लगेगा। ट्रेन में कितना किराया लगता था? ट्रेन में तो लग रहा था, पहले तो 300 लग रहा था, 300 लग रहा। क्यों जा रहे हो यहाँ से, क्या बात है? तो शादी है, इसी करके जा रहे हैं। लॉकडाउन का भी डर है क्या? नहीं जी। आम बस में कितना किराया लगता है? बस में 1500 रुपया। कितने बंदे इसमें हैं, 70 बंदे का नहीं है? हाँ जी। कितने? 70 एक बस में। चेकिंग जी करना है, रूटीन चेकिंग है, कोई कंप्लेंट नहीं है? रूटीन चेकिंग करते हैं, जो बसा कुछ काम करने का परमिट नहीं है, तो स्टेज करे जो काम कर रही हैं उन्होंने इसे चेकिंग करते हैं। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50% ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਬਿਠਾਉਣੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? 50% ਹੀ ਹੈ, 50% ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100-100 ਬੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਰ, ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਆਣੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਲਾਨ ਕਰ? ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਕੈਰੀ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਕੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ। ਸਰ,
ਸਰ ਇਹ ਬੌਂਡ ਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 50,000 ਵਿਦਆਊਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਚਲਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਭਰੇ ਤਾਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਵਰਲੋਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਾਰੀਆਂ 52 ਸੀਟਰ ਪਾਸ ਆ ਉਹ 'ਚ 70-70 ਬੰਦੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ खन्ना विच ट्रांसपोर्ट माफिया दा पर्दा फाश होया है। हालांकि इस दौरान आरटीओ ने कुछ बसां कोलों जुर्माना वसूलिया पर आरटीओ दे जान दे मगरों बसां वाले फिर गैर कानूनी धंधा करन लग पए। इत्थे ही बस नहीं ट्रांसपोर्ट माफिया बिना किसी परमिट दे रोजाना यूपी बिहार दे गेड़े ला रहे ने। हुण वेखना यह है कि पंजाब सरकार बेलगाम हुंदे जा रहे ट्रांसपोर्ट माफिया नूं नत पावेगी या फिर गरीब मजदूर इसे तरह ट्रांसपोर्ट माफिया की लुट का शिकार होंदे रहेंगे। खन्ना तो ब्यूरो रिपोर्ट NC7 न्यूज़।